अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ुबैर अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक इन्फो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, जो कि फुली ऑटोमेटेड है। और मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, और चाहे कोई भी इदारा हो जिसके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे ऑटोमेटिकली उस बंदे की जो है अटेंडेंस यानी उसके प्रेजेंट डेज यहाँ पे काउंट हो जाएं, और उसके एब्सेंट डेज भी काउंट हो जाएं, और जो कि उसके ऑफ डेज होंगे, हल डेज, वो भी यहाँ पे मुझे शो हो जाएं कि कितने उसके ऑफ डेज हैं, और उसके जो टोटल पेड डेज होंगे जो कि एक्टिव डेज होंगे वो कितने हैं, और पर डे सैलरी उसकी कितनी बनेगी और टोटल सैलरी उसकी कितनी बनेगी। तो मैंने ये एग्जांपल के तौर पे एक शीट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, जिनके अंदर संडेज़ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया क्योंकि ये हॉलीडेज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ दिए हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रेजेंट डेज़ के ऊपर। हम चाहते हैं कि इस बंदे के जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी प्रेजेंट डेज़ कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट डेज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हम जो है टाइप करेंगे काउंट एफ़ का इज़ इक्वल टू काउंट एफ़ ब्रैकेट ओपन। अब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज कि हमें कहाँ से जो है सर्च करवाना है। तो हमें ये रेंज, इस रेंज से हमें सर्च करवाना है, काउंट करवाना है। तो मैंने ये एक से लेकर 30 डेज तक रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद कॉमा के बाद आप देख सकते हैं ये क्राइटेरिया पूछ रहा है कि क्या आप कौन सी चीज़ एब्सेंट या प्रेजेंट आप सर्च करवाना चाहते हैं, काउंट करवाना चाहते हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पी मतलब के प्रेजेंट, दोबारा से डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं 21 दिन इस बंदे के जो है प्रेजेंट हैं, और मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक ड्रैग करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हर एम्प्लॉय के अपने अपने जो प्रेजेंट डेज हैं यहाँ पर शो हो गए। इसी तरह से सेम फार्मूला है एब्सेंट के ऊपर इज़ इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, और हम फर्स्ट डे से लेकर 30 डेज तक रेंज सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर हमें सर्च काउंट करवाना है एब्सेंट, तो हम ए टाइप करेंगे, दोबारा से डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो एब्सेंट डेज हैं वो 5 हैं। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक, जैसा कि ताकि सब एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। उसके बाद आता है ऑफ डेज़ कि इस बंदे के ऑफ डेज़ कितने हैं यानी हॉलीडेज़ कितनी है। बहुत ही सिंपल है, सेम फार्मूला है काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, और हम सेम उसी तरह से फर्स्ट से लेकर 30 डेज तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉमा। अब हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया है हमें क्या सर्च करवाना है, हमें सर्च करवाना है यानी काउंट करना है यहाँ पे ब्लैंक जो सेल्स हैं, क्योंकि ये संडे है तो हमने ब्लैंक छोड़ा है, तो हमें ब्लैंक सेल्स काउंट करवाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डबल कोटेशन, दोबारा से डबल कोटेशन, इसका मतलब है कि ब्लैंक सेल्स, ठीक है। डबल कोटेशन हम दो मरतबा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं इसके जो ऑफ डेज हैं वो 4 हैं, तो हम इसको भी ड्रैग करते हुए नीचे तक ले जाएंगे, और आप देख सकते हैं ये ऑफ डेज़। अब आता है टोटल पेड डेज़ के, इस बंदे के जो टोटल पेड डेज़ हैं, जिन डेज़ की हमें सैलरी देनी है वो कौन कितने हैं। तो जाहिर सी बात है हर इदारे के अंदर जो संडे होता है उसकी सैलरी हम देते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं इज़ इक्वल टू टोटल पेड डेज़। तो प्रेजेंट डेज़ भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट डेज़, और प्लस करेंगे ऑफ डेज़ को, क्योंकि ऑफ डेज़ की हमें सैलरी देनी है, एब्सेंट की सैलरी नहीं देनी क्योंकि वो बंदा एब्सेंट था, तो हमें एब्सेंट की सैलरी नहीं देनी। इज इक्वल टू हमने ये प्रेजेंट डेज़ का जो सेल है वो सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑफ डेज़ का सिलेक्ट किया, और उसके बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल जो इसके पेड डेज़ होंगे जिनकी हम सैलरी हमें हम देंगे तो वो हैं 25 दिन।
ठीक है, हम इसको उसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक, तो हर एम्प्लॉय के अपने अपने पेड डेज बनेंगे, टोटल डेज बनेंगे जिनके हम सैलरी देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पर डे की सैलरी, यानी एक दिन की सैलरी इस बंदे की कितनी बनेगी 30,000 के हिसाब से। तो 30 दिन की सैलरी होती है हमेशा, एक मंथ में 30 दिन है तो 30 दिन की सैलरी होती है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सैलरी के ऊपर जो सैलरी का सेल है इसके, इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 दिन के ऊपर, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर किसी भी इदारे में अगर चाहे 28 दिन हो चाहे 31 दिन हो, हमेशा सैलरी होती है 30 दिन के हिसाब से। तो हम इस सैलरी को डिवाइड करेंगे 30 दिन से, और उसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस 30,000 के हिसाब से 30 दिन की 1,000 पर डे की सैलरी बनती है। हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सैलरीज़ हैं, तो उस हिसाब से मुख्तलिफ पर डे की पेमेंट यहाँ पे शो हो रही है। जैसा कि इस बंदे की 25,000 सैलरी है तो 30 दिन की 833.3 हो जाएगी। तो अब आता है फाइनली टोटल सैलरी के, इस बंदे की 30,000 सैलरी है तो इसके जो पेड डेज हैं 25 है, तो 25 जो है दिन की सैलरी कितनी होगी? ये बहुत ही सिंपल है, हम करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू पर डे सैलरी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक दिन की सैलरी है यहाँ पे, तो इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जो टोटल पेड डेज हैं। ठीक है, तो हम पर डे की सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे पेड डेज़ के ऊपर, और उसके बाद जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इस बंदे की जो सैलरी है मिलेगी उसको 25,000, क्योंकि उसके जो डेज़ हैं पेड डेज़ हैं वो 25 दिन है, क्योंकि वो 5 दिन एब्सेंट रहा। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ नीचे तक, तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सैलरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस बंदे की आप देख सकते हैं 25,000 टोटल सैलरी है, ये 8 दिन एब्जेंट रहा, 22 दिन इसकी जो टोटल पेड डेज़ बनेगी, तो एक दिन की उसकी 833.3 हुई, तो इसकी जो 22 दिन के हिसाब से 18,333 हुई। तो अगर आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी, अगर आप जैसा कि मैं यहाँ पे इस प्रेजेंट को अगर आप एब्जेंट करते हैं और मैं इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 25 से 24 हो गई, और इसके जो प्रेजेंट डेज़ हैं वो जो है 21 से 20 हो गए, और ये एब्सेंट डेज़ यहाँ पे बढ़ गए। अब आप देख सकते हैं इसके एब्सेंट डेज़ 6 हैं। अगर मैं मज़ीद एक और इसको प्रेजेंट को एब्सेंट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 7 हो गए, और इसकी सैलरी मज़ीद कम हो गई, 23 हो गई। तो इसी तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से जो है एम्प्लॉय की अटेंडेंस रजिस्टर बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फुली ऑटोमेटेड होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।